ऑन ऑफ का स्विच भी है, और मैं आपको ये पंखा ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा और टोटल इसकी 6 स्पीड आपको दिखाऊंगा, फुल स्पीड 6, ये इसकी 6 स्पीड है। आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये पंखा इस वक्त सोलर पे चल रहा है, डीसी 12 वोल्ट पे चल रहा है, बहुत तेज़ हवा है इसकी। अस्सलाम वालेकुम डियर, आज मैं आपको एसी डीसी पंखे का एक बेहतरीन रिव्यू दूंगा। मैंने अपने घर के तमाम पंखे एसी डीसी लगा लिए हैं और मैं इसके फंक्शन भी आपको बताऊंगा। एसी डीसी यानी के बेक वक्त ये के इलेक्ट्रिक यानी कि जो हमारी बाहर से इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है 220 उस पर भी चलता है और ये सोलर पर भी चलता है। हम सुबह से शाम तक सोलर पर चलाते हैं और शाम से रात तक 220 वॉट जो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर चलाते हैं। इसके साथ मुझे एक रिमोट भी मिला है जिसमें 6 स्पीड फंक्शन भी है, इसके ऑन ऑफ का स्विच भी है, और मैं आपको ये पंखा ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा और टोटल इसकी 6 स्पीड आपको दिखाऊंगा। मैं आपको ये बता दूं कि ये 6 स्पीड एसी डीसी दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एसी में यानी कि जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं 220 इलेक्ट्रिक करंट पे, ये पंखा 380 आरपीएम यानी कि 380 चक्कर काटता है इसके पर, और डीसी जो सोलर या हमारी बैटरी से चलता है डीसी 12 वोल्ट उस पर ये टोटल 320 चक्कर काटता है। यानी कि अगर आपके इलेक्ट्रिक पे 6 स्पीड चला रहे हैं तो एक स्पीड आपकी सोलर या बैटरी पे 12 वोल्ट पे कम हो जाएगी, इतना कोई बड़ा इसमें फ़र्क नहीं आता। अभी इस वक्त जो मैं आपको चला के दिखाऊंगा सोलर पे, और मैं आपको ये साथ में दिखा दूं कि ये रिमोट फंक्शन कैसे करता है। इस पर एक सेंसर लगा हुआ है, ये इसका सेंसर है, ये सर्किट अंदर सर्किट लगी है और ये इसका सेंसर है जो रिमोट इसको कंट्रोल करता है। एक पंखा जो मेरे पास इस वक्त बॉक्स में है जो डब्बा पैक रखा हुआ है उसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगा ताकि मैं आपको इसका सर्किट दिखा सकूं, इसका सेंसर दिखा सकूं। अब मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूं। जैसे ही मैंने ऑन ऑफ स्विच का बटन प्रेस किया ये पंखा चलना शुरू हो गया। ये 6 स्पीड है इसकी, लास्ट स्पीड है फुल। अब मैं आपको एक पे पंखा चला के दिखाता हूँ। एक इसका सबसे स्लो स्पीड है, मैं इस पंखे को नंबर 1 पे करता हूँ, ये इसकी नंबर 1 स्पीड है स्लो। और जो आपका डिमर लगा होता है उसमें आपके एक पर यानी कि जो फर्स्ट स्पीड है उस पर सबसे तेज पंखा चलता है। जैसे जैसे डिमर को आप 2, 3, 4, 5, 6 पे लेके जाते हैं आपका पंखा स्लो हो जाता है। रिमोट में नंबर 1 पे स्लो है, नंबर 2 पे थोड़ी स्पीड तेज़ है, नंबर 3 पे थोड़ी सी और ज़्यादा स्पीड तेज़ है, और 6 पे फुल स्पीड है। ये नंबर 1 पे चल रहा है पंखा, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 2 पे पूरी तरह चल रहा है, ये नंबर 3 पे, और आपको टिंग टिक टिक करके आवाज भी आएगी जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे। ये नंबर 4 पे, और ये नंबर 5 पे। और ये फुल स्पीड, आप फुल स्पीड का बटन दबा दें या 6 का बटन दबा दें, बाद देखिए, फुल स्पीड 6, ये इसकी 6 स्पीड है। आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये पंखा इस वक्त सोलर पे चल रहा है, डीसी 12 वोल्ट पे चल रहा है, बहुत तेज़ हवा है इसकी। और ये पंखा बहुत लाइट वेट का है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा घर के पंखे जब हम बदलते हैं तो एक बंदा चढ़ता है, एक बंदा पकड़ता है पंखा उतारने के लिए, दूसरे बंदे के हाथ में देता है। ये पंखा इतना हल्का है कि आप एक हाथ से उठाकर हुक में टांग सकते हैं। इसके कनेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सोलर पैनल से रिलेटेड, सोलर कंट्रोलर, एसी डीसी फैन, लाइट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर लोड कर दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त ब वक्त मिल सके। अब मैं इस पंखे को ऑफ कर देता हूँ।
शुक्रिया।